यहाँ पर जो है वो चल रहा है। अपन को अंदर जाना था शायद, शांति मिलेगी ना अंदर। टाइम जा रहा है, चुप रहे, काम किया गया है। के सर को पता है हम करेंगे। नहीं, हम तो नवरे बैठे हैं ना। इतने दिनों बाद मिस्टर कार्तिक, क्या हो गया तेरे को? क्या हो? मैं बोलना बोलना, क्या हो गया? मेरे इतने भी नजदीक ना हो, मैं अपने पर बात कर। पीपल, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीवन, दिस इज विशाल द वे। तो चलिए गाइस, सुबह के बज चुके हैं 8:30 और अभी अपन निकलते हैं अपने कॉलेज के लिए। नेकी और पूछ पूछ, वैसे तो मेरे को बोलना नहीं चाहिए क्योंकि 8:30 हो गए हैं तो अपन को कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा। खैर जी, थोड़ी देर में वहाँ पर पहुंच जाएगी। जिग्नेश भाई किसी काम से गए हैं तो वो डायरेक्टली कॉलेज पहुंचेंगे। सो गाइस, ये हमारे जूते जो कि मैंने धो के रात को रख दिए थे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गंदा हो गए थे। वैसे तो शूज पहन लिए हैं बट फिर भी शूज थोड़े से अभी गीले हैं, लेकिन कोई बात नहीं यार, अभी कॉलेज जाना है तो चलेगा, पहन लेंगे, थोड़ी देर बाद सूख जाएंगे ऑटोमेटिकली। पता नहीं वहाँ पर कितना ट्रैफिक मिलेगा, कल तो भाई साहब ट्रैफिक खतरनाक था, आज अभी कैसा मिलता है वो देखते हैं। हाश भाई साहब फाइनली कॉलेज कैंपस के अंदर पहुंच चुके हैं। बीच में थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था कल से, थोड़ा ज्यादा आज मेरे को ट्रैफिक मिला था, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद शायद क्लियर हो जाए तो पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं होगा क्लियर। 9 से 9:30 बजे का समय, इस समय पे ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा होता है। तो अगर आप लोग कॉलेज में पढ़ते हो या यहाँ पर आ रहे हो तो प्लीज ध्यान रखना, 9:30 बजे कृपया 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 करके भीड़ में मत फंस जाना। या तो अर्ली आना या फिर तो एकदम बाद में आना। आपको पता है पहले जो पारुल में नवरात्रि होती थी ना वो इस ग्राउंड में होती थी, लेकिन इस बार नवरात्रि को शिफ्ट कर दिया गया था पीछे वाले ग्राउंड में, क्योंकि वो जो ग्राउंड है वो बहुत ही बड़ा है। अपन को यहाँ से ऊपर चढ़ना है एंड देन उस तरफ जाना है, बहुत ही दूर है यार हमारी फैकल्टी, मतलब इतना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है, लिटरली हालत खराब हो जाती है, पहुंचते पहुंचते ही पसीना पसीना हो जाता है। So guys, अभी हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल मीडिया, ये सारी चीजें पढ़ी है। देखो, यूजर अकाउंट, प्रोफाइल पेज, फ्रेंड्स फॉलोअर्स, ग्रुप, मतलब कभी सोचा नहीं था कि डिजिटल मीडिया के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन लिटरली इस तरीके से इसका स्कोप है। लोग इतना प्यार दे रहे हैं, आप सभी लोग भी ब्लॉग्स को देखते हो, प्यार देते हो, दैट्स व्हाट आई वांट, हेल्प करते रहो, प्यार देते रहो और देख रहे हो पढ़ाई के साथ साथ मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो आज है 11 तारीख, जैसे कि मैंने 2 दिन पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि मेंटल हेल्थ डे कल था, जिसका सेलिब्रेशन आज साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कर रहा है। तो अभी मैं वहां पर जाऊंगा, पूरी की पूरी क्लास अभी वहीं पर गई है, मैं सिर्फ यहां पर छूट गया हूं ताकि मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्म कर सकूं पहले। अभी अपन वहां जा रहे हैं तो वहां पर देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग वहां पर थे अंदर, यहाँ पर जो है वो चल रहा है, तो अभी अपन अंदर चलते हैं, जाके देखते हैं कि कैसा चल रहा है। देखो मैम भी रजिस्ट्रेशन करा रही है। नहीं, सही बात है, मैम को भी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, मैम का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और फिर मैम भी अंदर जाएंगी, टेस्ट ट्रायल वगैरह होगा। और ये देखो ये क्या रिपोर्टिंग, रिपोर्टर बन गई, तो कल भी रिपोर्टिंग कर रही थी। आजकल तो भर गए हैं हर जगह पे ब्लॉगर्स, ये पारुल की तरफ से है, पारुल की तरफ से है। अच्छा, ऐसा, चलो चलो चलो, फिलहाल तो मैम यहाँ पर खड़ी हुई है जो की रजिस्ट्रेशन करवा रही है। अपन फेल करवाना है, फेल करवाना है, बहुत सीधा सीधा बच्चों, आई सपोर्ट यू, सपोर्ट। ओके, अंदर चलते हैं, अंदर चलते हुए देखो जिग्नेश भाई भी वहाँ पर खड़े हुए और उनके साथ धीरज भाई, अरे कोई नहीं पूछ रहे, ठीक है चलो अंदर। रिद्धि मैडम को देखो, ओहो क्या बात, लीडर बन गई है, लीडर नहीं, अच्छी दिख रही है, अच्छी दिख रही है आज तो। लेकिन सच बताओ, मेंटल हेल्थ के लिए ये बड़ी हानिकारक है। नहीं तू, हाँ मैं तेरे को, तेरे पीछे कौन है, तेरे पीछे कौन है, उनको उनको बोला, हाँ मीडिया लैब को बोला, मीडिया लैब हानिकारक है मेंटल हेल्थ के लिए। अपन को अंदर जाना था शायद, अंदर अंदर बस बस हो गया, चलो चलो चलो, शांति मिलेगी ना अंदर। है शांति नहीं है अंदर।
देखिए तो अभी गोपी मैम का पहला ट्रायल हो रहा है, कैसा होता है वो अपन को देखने का है। मेरी एज पूछी जा रही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सही एज बता। लड़कियां जल्दी 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 मैम, जल्दी मैम, टाइम जा रहा है, जल्दी मैम, जल्दी एस बनाना है मैम। चुप रहे, इतना प्रेशर, 5 मिनट है मैम, जल्दी उसको छोड़ के तीसरी लाइन में तो बन जाओ। शाम के समय आपका अधिकार हमारा अधिकार भी बनता है थोड़ा। तो गाइस अभी तक हम लोग अपनी बिल्डिंग के अंदर थे, अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि बहुत ही तेज भूख लगी है। सच बता रहा हूँ, साइकोलॉजी का भी इवेंट अभी तक हुआ नहीं है कम्प्लीट, अभी चल रहा है ना इवेंट। एक सेकेंड, हम खाने थोड़ी जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे? डांस वर्कशॉप। अरे यार मेरे को खाना खाना, भूख लगी है उसके बाद जाते। अरे यार सच्ची, अरे पर सच्ची मेरे को भूख लगी है यार, यार ये गलत मामला, गाना सुनने नहीं पड़ता। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना गाइस, अभी ऐसे क्या करेंगे, ऐसे चुपचाप पटाख निकल जाती है किस तरह। अरे तो अरे यार मैं सच बता रहा हूँ, मैं तो खुश हो गया था जैसे ये बाहर निकले। एक तो साइकोलॉजी लैब में घुसी हुई है अंदर, कुछ शूट वूट कर रही थी, उसके बाद फिर बाहर निकले तो भी अभी लेके ही जाना है, खाना नहीं खाना है, काम दिया गया है। सर को पता है हम करेंगे नहीं, हम तो नवरे बैठे हैं ना, तू कहाँ करता है, तू कहाँ करता है, तेरे को आज भी जबरदस्ती रुका है। रिद्धि को क्या पूछने का, ये देखो श्रुति बता देगी, श्रुति सही बोल रहा हूँ ना मैं, ये देखो श्रुति ने भी हाँ बोला, देख रहे हो इधर नहीं है कुछ, कहाँ है इधर पूरी होगा। लड़कियों का कभी भरोसा ही नहीं करने का, इधर मैं कैमरा चालू करता हूँ मार खाने के लिए, मेरे को सीरियसली ऐसा लगता है, मजाक नहीं। चलो इधर आप कैमरा, हम नहीं मारते वो ऑन कैमरा, ऐसे बकवास करते, बकवास बिल्कुल नहीं यार, मैं सच बात करता हूँ, उनको बकवास लगता है। चलो ठीक है, अभी 213 ढूंढो यार, 213 कहाँ है, अपन को जाना है अंदर। तो गाइस कॉलेज से पहुंच चुके हैं त्रिशान भैया के रूम पे, और लिटरली अब जाके पता चल रहा है बड़े बुजुर्ग रात को सोने के लिए क्यों बोलते थे, क्योंकि अब जाके मेरे को ऐसा लग रहा है यार बहुत ही नींद आ रही है, मतलब ऐसा सर फटे जा रहे हैं नींद के मारे, क्योंकि हमने रात भर एडिटिंग की थी और काम हमारा चल रहा था, लगभग सुबह के 4 बजे तक मैं एडिट कर रहा था, उसके बाद सोया हूँ और फिर सुबह 7 बजे उठ के यार निकल जाते हैं कॉलेज के लिए। अभी मैं सोच रहा हूँ आधे घंटे की एक पावर नैप लेता हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ पर पोहे तैयार हो चुके हैं, अभी हमको सिर्फ इसको खाने का काम करना है, और अभी अभी ये भी लेने के लिए गए थे छाछ, ये देखो। तो अभी अपन पोहे खाते हैं, उसके बाद मैं आधे घंटे की एक पावर नैप लूंगा, एंड देन फिर अपन निकलेंगे झील मैडम से मिलने के लिए। तो अभी फिलहाल अपन पहुंच चुके हैं झील मैडम से मिलने के लिए, और अभी बजे हैं लगभग 7:15 लगभग हो रहे हैं, 7 बजे उसने बुला लिया था, लेकिन हम थोड़े से लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी चलते हैं और जल्दी से मिलते हैं। ओहो हो, देख रहे हो, देख रहे हो, दोनों के दोनों बैठे हुए हैं, कौन है, देखो 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 देखो, मतलब इतने दिनों बाद मिस्टर कार्तिक सिंह, क्या क्या हो गया तेरे को, क्या क्या हुआ, मैं टाइम पे ही आ रहा था, ट्रैफिक नड़ गया मेरे को, मैं बाकी मैं एकदम टाइम पे था, ठीक है। अरे तू कुछ बोल, और मेरे को एक चीज बता, हां बोलना, तूने वो नूडल्स वाला वीडियो आधा क्यों डाला, क्योंकि आधा बचा है अभी, उसको सेकना बचा है, उसको खाना बचा है, तेरे को लालच आ गई ना, मेरे को मेरे को पता था तेरे को लालच आ गई, इधर आना, क्या हो गया, इधर आना, बोलना, इधर आना, बोलना क्या हो गया, इधर आना, बस ज्यादा ज्यादा नहीं आऊंगा, बहुत तेज हो रहा है, हैं बहुत तेज हो रहा है साल, तू पंच मार देती रहे ने, रन 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 रन, ना देना मेरे इतने भी नजदीक ना हो, मैं अपने पर बात कर, और इसका भरोसा नहीं है तो कर भी दे, ये अचानक छपरी क्यों बन गया, ये हाँ। ये तेरे को आज पता चल रहा है ये बेचारा इतना डिसेंट बंदा बच्चा बन गया था, तू ऐसे ऐसे रखता ना कैमरा, कभी-कभी मेरे को लगता है तू सीधा ऐसे कर, ऐसे मुंह में सीधा कुछ भी अश्लील बातें करती है, अरे वो समझ जाएंगे हां, बोलना सुनना, बोलना सुनना, अरे रुक जा, नींद आ रही है, नींद की तो बातें करो ही मत, ठीक है, क्योंकि ना मैं सच बता रहा हूँ, कभी क्या होता है, सोया ही नहीं हूँ मैं, हमें बहुत कुछ कहना होता है, ओहो, मगर हम कह नहीं पाते, क्या निकल रहा है भाई, और कभी कभी ये क्या निकल रहा है, ये अंदर की भावनाएं निकल रही है, और कभी कभी हमें बहुत कुछ करना होता है पर हम कर नहीं पाते खुद के लिए, दुनिया का जो बोझ है, बोझ हमारी शॉर्ट फिल्म आई थी बोझ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, और तो बिलीव जो आने वाली थी जो आज तक नहीं आई, बिलीव के लिए भी आप कमेंट में इसको बिलीव दे सकते हो, और जल्द से जल्दी हमारी एक और वेब सीरीज आ जाएगी, सुनना, 10 रुपए थे तुरंत, 20 रुपए थे, मैं इतने काम की बात बताऊंगा, काम करो, 20 रुपए मुझे 50 रुपए दो मैं ऐसे कट जाऊंगा, क्या बोला, मुझे 50 रुपए दो मैं ऐसे कट जाऊंगा, 50 रुपए कट जाऊंगा, मतलब 50 रुपए के लिए आदमी कटने के लिए तैयार है, ऐसा बोलना था ना पहले।
मेरे को अपनी तबीयत से प्यार है। जब तबीयत इसकी खराब होती ना तो मेरे को इसके ऊपर दया नहीं आती बल्कि तबीयत के ऊपर दया आती। तबीयत में कौन से सच्ची? अरे लेकिन क्यों इतना? आज शैली ने उल्टा मेरे को बहुत सताया, अभी सता रही है। एक तो तूने शैली को आज वीडियो में परेशान किया मैंने देखा, और तूने वो भी बोला कि मैं फोन वो मुझे करेगी तो मैं आ जाऊंगा। तो मैं गलत आ गया, मैं गलत जगह आ गया, गलत टाइम पे आ गया। अत्याचार करती हूँ तुझ पे? मेरे को लगा ये व्लॉग नहीं देखेगी, लेकिन ये व्लॉग देख के बैठी है। तुझे क्या लगता है? नहीं, मैंने कब बोला? मैंने ऐसा बोला ही नहीं। तू कभी अत्याचार? मैं समझ लो पूरा ग्रुप अगर मजाक उड़ा रहा मतलब कुछ तो कमी होगी लड़की बोले बिना कुछ बोले। जो बोलती है वो सुनने लायक होता नहीं है। वाह, जो कम बोलता है ना वो बम बोलता है। विजय और रश्मिका समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो कुछ नहीं, एटलीस्ट मेरे को कोई गेटवेल सुन तो बोलो। क्या लेना देना था भाई? क्या लेना देना? कुछ नहीं था, मेरे को लगा मैं एक न्यूज पहुंचवा दूं तुम्हारे ब्लॉग के माध्यम से। तो मैं आप सभी लोगों को तड़कती भड़कती न्यूज दे रहा हूँ जो आज तक कभी नहीं दी है, और वो है के विशाल पागल है। मैं कुछ और दे रहा था लेकिन ऑडियंस ने नहीं लिया। मैं बोलने नहीं दिया। की बात कर रहे हैं। देता है रे विशाल, गलत बोलती है, गलत बोलती है हमेशा। चलो ठीक है, ऐसी है, ठीक है। केसिल मैडम की तबीयत खराब है, फिर भी मैं लगातार काम कर रही हूं। और काम क्या कर रही है? हाय हाय पूछो मत, पूरा दिन मतलब बैठे रहने का, ऐसे घूरते रहने का। देखो बंद करना डायरेक्टर, ऐसा क्या एंड बटन पे दबा के बैठा है? प्यारी समझ गई। अब शब्द बोले और मैं बंद कर दूंगा। हाँ ये कुछ अब शब्द बोले तो मैं बंद कर दूं फटाफट, क्योंकि इसके ये लड़की का भरोसा नहीं। कभी भी अब शब्द बोल देते तो मेरे को एडिटिंग में देखना पड़ता है। कौन बुलवाता? नहीं तू, मैं कौन सा बुलवाता हूँ? तुम लोग मेरे को ऐसे पोक करते हैं। आज तक मेरे को इस लड़की को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं लगी है। मैं इसको पोक कैसे करेगा भाई? मेरे को अपनी जान प्यारी है कि नहीं है? आप लोग अभी भी आके ऐसा कर देता। अभी तीन बार मार दिए, दो तीन हो गया। उस समय मारने वाली थी, बच गया। तो वो नहीं मारा ना, बट फिर भी अटैक हुआ ना। मारा ही नहीं मैंने, दो ही बार मारा, तीसरी बार बच गया। अटैक हुआ तो फिर किस पे हुआ? अटैक का कौन सा चार्ज लगता है? अटेम्प्ट टू मर्डर का केस। तुम जो बोल रहे हो इसमें सेंस है, लॉजिक है? यही डायलॉग आने वाला था, पक्का यही डायलॉग आने वाला। कुछ भी रहने दो, कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। तुम्हें बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है? नहीं, मैं क्यों? मैं तो गरीब आदमी हूँ, कोई कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी करेगा। गरीब आदमी ही बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी कर जाते हैं। She's not talking about me, हाँ? ऐसे यहाँ देख रहे हो? नहीं बोल रही हो मेरे बारे में? ऐसे क्या देख रहे हो? क्या स्क्रीन पे तू ही दिखेगा तो तुझे ही देखेंगे ना। करवाली बेइज्जती, आ गया स्वाद, भर गया पेट। हो गया, भर गया पेट, हो गया। मैं बंद कर रहा हूँ, इसको भी लेट हो रहा है। अभी अपन थोड़ी बात चर्चा वर्चा करते हैं, ठीक है? चलो।